सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क सुप्रीम का एक और नया। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका इंट्रो वाला जो एपिसोड है ना गाइस, जिसमें ये लाइन्स दिखाई दे रहे आसमान में जाते हुए, ये तुम्हारे भाई की पेटियां है भाई, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड इंट्रो वाला एपिसोड था, वो मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले कुछ टाइम में, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। और उसमें जो रहा गाइस, मैंने इस भाई मॉड के कुछ खतरनाक से क्रीचर दिखाई है। इस मॉड का नाम है आर्क सुप्रीम और ये मॉड है काफी ज्यादा खतरनाक वाला। पिछले एपिसोड में हम लोग ने स्पाई ग्लास बी ग्लास बना लिए थे और भाई कुछ भाई गोलेम्स के हाथों कुत्ते की मौत भी जो है ना गाइस, हम पिछले एपिसोड में यहाँ पे मरे थे। और अभी आज के इस एपिसोड में हम बेस सेटअप करके यहाँ पे हमारी टेमिंग जो है ना गाइस वो चालू करने वाले। बट गाइस आज का जो फर्स्ट एपिसोड है आर्क सुप्रीम का, वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे गाइस यहाँ पे चैनल पे, फटाक से वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी व्लॉगिंग चैनल की, उसको भी चेकआउट कर लेना। और गाइस यहाँ पे हमारा सुपर थैंक्स ऑप्शन अनलॉक हो चुका है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी आपका छोटा सपोर्ट भी हमारे लिए काफी मायने रखता है गाइस। तो चले मेरे प्यारे दोस्तों, करते आज के इस एपिसोड का शुभारंभ बिना किसी देरी के और मचा डालते एकदम फुल टू तो बाहिना मेरे भाई। बाकी गाइस यहां पे जिनको बता नहीं उनको मैं बता दूं गाइस कि यहाँ पे जो है ना गाइस, इस मॉड में ना प्राइमल फियर की तरह काफी ज्यादा ओपी ओपी वाले जो है ना गाइस डायनोस है गाइस, ठीक है। और पिछले एपिसोड में मैं काफ़ी गंदी मौत यहाँ पे मरा हूँ और मेरे को कुछ स्टोन की ज़रूरत है ताकि मैं यहाँ पे अपग्रेड स्टेशन बना सकूँ भाई, ठीक है। और अपग्रेड स्टेशन में मैं अपने टूल्स को अपग्रेड करके मेटल बिटल जो है ना गाइस वो लेके आने वाला हो, ठीक है। बहुत सारा मेटल हमको चाहिए होगा ताकि हम ऐसे भाई रुक जाओ, पहले अपग्रेड स्टेशन बना दो, ठीक है। मेटल बिटल मैं इसके लिए लेके आने वाला हूँ ताकि हम ऐसी गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस टूल्स बना सके, जिससे हम इस मॉड में जो डायनोस है ना गाइस उनको मस्त वेगी टेम कर सके भाई, ठीक है। सो बेसिक वाली टूल बनाने के लिए जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे पहले तो अपने बेसिक से टूल को अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद इनको अपग्रेड करने के बाद जो है ना गाइस हम लोग जाके काफ़ी सारे रिसोर्सेस लेके आएंगे और मेटल वाला जो टूल है ना गाइस वो बना लेंगे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके पहले तो इसको असेंडेड में अपग्रेड कर लेते हो एकदम मस्त वेगी, मे वी गो, ये असेंडेड बन चुका है, इसको भी असेंडेड में कर लो। मैं मशाल को असेंडेड में अपग्रेड करके क्या करूँगा ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलो लेकिन इसको भी असेंडेड में अपग्रेड करते हैं। बाकी हमारा स्पेयर जो है ना गाइस वो अपग्रेड नहीं हो सकता, और थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि इस मॉड में ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और थोड़े से हिडन जो है ना गाइस क्रीचर है, जो भाई छुप के जमीन के नीचे बैठे होते हैं और आप जैसे ही जाओगे वैसे आपकी ऑन द स्पॉट पेटी ना मेरे बच्ची, ठीक है। सो भाई सबसे पहले मेरे भाई बेस के नीचे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेटल देखा था, इस मेटल को मैं तोड़ लेता हूँ। ये ले भाई, अरे टूट गया, अरे मेटल तो ये तो ऐसे ख़त्म हो गया भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक मेटल पिघलता नहीं तब तक मैं पावरफुल वाली क्रॉसबो नहीं बना पाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ आज तो भाई किसी एक आध डायनो को तो मैं टेम ही कर लूँ। वैसे मशॉप पैसिविटी में क्या, यस फायर केबल चाहिए। बड़ा मेरे को ये बताएगा ये केबल चिबल बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, एलिमेंटल फ्रूट चाहिए, फायर सेंट चाहिए, हनी चाहिए, भेज क्या फायर हनी भाई, हनी को आग लगा के खिलाओ क्या तेरे को मैं, ये फायर हनी क्या होता है बे, फायर पान बिन क्या निकाल दे, फायर हन्नी बिन नहीं निकाल रहे भाई, ये क्या मत भाई बदतमीजी है भाई, ए फायर हन्नी बोले भाई, क्या क्या फायर निकाल रहे गाइस, रुक जाओ भाई फायर हन्नी कहाँ से भाई, आग लगा के देनी पड़ेगी लग रहा है भाई मेरे को अभी तो हनी को। रुको पहले तो गाइस यहाँ पे भूख लगी हुई, ए मोटी मोटी ए मोट वाला वो पी लेता होगा इसी के, रुको हीलिंग पोशन भाई पी ले पहले, उसके बाद ये हंगर पोशन और रिमोट वाला, ये इमोट, अच्छा इमोट तो मैं पहले से लर्न कर चुका हूँ ना आई थिंक, अरे डिच्चिक डिच्चिक इमोट तो भाई अपन पहले से लर्न कर चुके हैं भाई, ठीक है। ओए होए काट के रख देंगे पाँच छः, डांसिंग डांसिंग, चल आ जाओ अभी ना, क्या स्मृति बन पाएगी, हाँ हमारा घर जो ना गाइस फ्यूचर में अपन बना लेंगे ओपी वाला, अभी फिलहाल के लिए जो ना गाइस हम खतरनाक सा घर यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। ऑलराइट तो स्मृति में यहाँ पे ऐसा टेढ़ा लगा देता हूँ, वो बन पाएगी शायद से, वो बन पाएगी आराम से, नाइस वन। वुड एंड फाइबर चाहिए, ये ले वुड एंड ये ले फाइबर, ठीक है। टॉरपोर जो ना गाइस इस मॉड में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला है डायनो का। ट्रैंक कौन कौन से है, डेल्टा ट्रैंक, इसके लिए स्टोन एरो, एक मिनट रुक जाओ, डेल्टा ट्रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली बन रही है यार यहाँ पे गाइस, डेल्टा ट्रैंक एरो
कुछ ज़्यादा इजी बन रही है। अल्फा नार्कोटिक डेल्टा किधर है बाबा? अबे डेल्टा तो इसमें होता ही नहीं है, बट इधर तो दिया हुआ है डेल्टा ट्रैंक। रुकना, ये डेल्टा ट्रैंक क्या चीज़ है भाई? कितना देता है इसका भाई? टॉर्पोर कितना देता है ये भी पता नहीं मेरे को। ठीक है चलो, अभी फिलहाल के लिए एरो बना लेता हूँ, देन अपन डेल्टा ट्रैंक जो है उसके बारे में देखते हैं क्या करना है। ठीक है, एंड मेरे को एफएमके वाला एक बेंच बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। सो ये रहा एफएमके वाला बेंच, क्योंकि इसी के अंदर जो है ना अपन लोग नार्कोटिक बनाने वाले भाई। ठीक है, सो ये रहा एफएमके वाला बेंच, इसको मैं बना लेता हूँ फटाक से। एंड यहाँ पे हम लोग नार्कोटिक बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक का डबल नार्कोटिक बनता है गाइस, आपको पता है इसमें नार्कोटिक जो है वो एक का डबल बनता है। स्पॉइल मीट चाहिए, एक स्पॉइल मीट है भाई, एक स्पॉइल मीट और भाई ये है भाई, कितना बनेगा? पाँच बनेगा, एक का पाँच बनता है। वाह भाई वाह, डेल्टा ट्रैंक कितनी बनेगी? एक डेल्टा ट्रैंक बनेगी। स्पॉइल मीट एक्चुअली में मैं लेके आ सकता हूँ, वल्चर हंटिंग करनी पड़ेगी। चलेगा गाइस वल्चर को भाई पेलम पाल देने के लिए? अभी और कोई चारा तो है नहीं अपने पास, जाना तो पड़ेगा गाइस। चलते फिर वल्चर को पेलम पाल दे के आते, थोड़ा सा भाई स्पॉइल मीट भी मिल जाएगा, और गाइस हम भाई खतरनाक वाले डायनोस को भी देख लेंगे रास्ते में। हाँ बस उनसे भाई थोड़ा बच के रहना है, मरना नहीं है। मैंने यहाँ पे दूर से ही देखा था कि स्ट्राइक के पैरों के नीचे ना आग लगी हुई है। तेरे पीछे क्या होने? ये तो भाई डेल्टा बेल्टा डेल्टा नहीं, ये कौन सा वाला है? फायर, हाँ फायर, देखना देखना आग लगी हुई, देखो बाप रे, दिख रहे हो? अच्छा डरा दिया यार, हदर आता भेज गया कि मेरे को लगा मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। देखना आग, वाह वाह, सुपर पावर दो है भाई, सुपर पावर दो है डायने के अंदर है। भाई तू मेजो बेरी से डेम होगा क्या? डेल्टा चाहिए, सबको डेल्टा ही चाहिए क्या? हाँ भाई सबको डेल्टा ही चाहिए भाई, अरे कोई डेल्टा ये डेल्टा वो फलाना ढिलाना वही मांग रहा है भाई। चलो अपन चुपचाप जाने का आगे चलते हैं। ओ यहाँ से भाई थोड़ा मेटल लेके जा सकता हूँ, मेरे को थोड़ा मेटल लेके जा सकता हूँ। और राइट, और वहाँ पे वल्चर को जो ना गाइस मेरे को मार के उनका खाली स्पॉइल मीट लेके आना है। ओके 1000, हाँ भाई ठीक है चलो लेट्स गो। ओके, और मेरे को आज ना एक फ्लायर भी टेम कर लेना है, कि मैं आज एक फ्लायर टेम कर पाऊँगा? लग तो नहीं रहा गाइस कि मैं फ्लायर टेम कर पाऊँगा, देखते बाकी। चलो भाई 20-20 जो ना गाइस जैसे घूम रहे, ओ आई थिंक मैं फायर बी टेम करूँगा ना, सो फायर वाली बी मेरे को फायर हनी देगी। ओ शिट ड्यूड, शैडो वालो 5.9 मिलियन हेल्थ, मम्मी रे। ठीक है वल्चर, वल्चर ही कहीं पे मिल जाए भाई, उस आलू के हाथ तो मरने का कोई भी मूड नहीं है भाई मेरा आज। भाई आलू के हाथों तो मरना नहीं चाहता हूँ मैं, पहाड़ी के ऊपर जंगल के पार। वास्ट है ना भाई, यहाँ पे ही खत्म होना था क्या मेरे यार? रुको 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 रुको, लेट जा भाई लेट जा लेट जा, कैंपिंग करेंगे खुले में। अरे बेटे भाई यार, अरे बेच के तेरा तो ज़्यादा पड़ी नहीं रहा कुछ, अरे तो ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं रहा था, ये तो डंक बिंक मार रहा कुछ, अबे लगा ही नहीं रहा। अभी तो हीलिंग पोशन भी खत्म हो गया, रुक 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 इधर आ, अबे लग ही नहीं रहा इसको। एक काम करना भाई स्पेयर से ही चिप डाल, बग बग भेज गया भाई तो डिस्पॉइल। ओह शिट लायन 500 के टर्की, इधर 3 मिलियन, मेरी हेल्थ 600 खाली। किधर जाओ गाइज, किधर इस गरीब को रास्ता, मतलब कहीं पे कुछ मिलेगा क्या? ये क्या मिला है? 20 समॉन एलिक्सर विल कंज्यूम स्पॉन टेम डेल्टा भी, वाव वाव वाव। सर से कब्जे से निकलने की कोशिश कर रहा, निकल गया भाई। इसकी आँख यहाँ पे कम खतरा है क्या? वो कम खतरा, मम्मी रे वल्चर कॉम्बो छोड़े, जब चाहिए तब एक वल्चर लग गए, मैं इसके हाथों तो नहीं मरने वाला। अरे भाई मर गया, अरे बॉय कहाँ भी गया भाई, फायर लायन पूरी मैया। इसके बहुत गंदा मारा भाई, बहुत गंदा मारा भाई, अपोजिट में स्पॉन हुआ, अच्छी बात है। चलो गाइस पेटी लेके आता हूँ, मेरे पास भाई एक बी का ना समॉनर पड़ा हुआ है भाई, वल्चर नहीं लेकिन मिल रहा यार, मैं क्या करूँ, वल्चर नहीं मिल रहा यार मेरे को, वल्चर के बिना भाई स्पॉइल मीट जल्दी नहीं बनेगा, बनेगा ऐसा नहीं नहीं बनेगा, बन जाएगा बट जल्दी नहीं बनेगा। वल्चर को मारने से कैसा भाई हमको ना काफ़ी ज़्यादा भाई स्पॉइल मीट मिल जाता भाई। हाँ डोडो बिडो पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ मेरे भाई, मार दो मेरे भाई फुलटू।
अरे वाह, अभी ये कौन सी नई भाई तुड़ुक जाम वाली चीज स्पॉन हो गई। रैप्टर तू पीछा मत कर ले यार, पहले से बैंड बजी पड़े, नंगा घूम रहा हो भाई, नंगे को मारता है, कहाँ गई तेरी डिग्निटी ब्रो? हाँ छोड़ दिया भाई, डिग्निटी की बात करते ही छोड़ दिया रैप्टर ने, अच्छा मनुष्य लग रहा है। चलो भाई स्टैमिना रिकवर कर रहा हूँ, लेट एंड यूज स्टैमिना, देखो गाइस मेरा फुल भाई खत्म हो गए भाई, झाड़े से लेट लेट के आगे जा रहा भाई, मैं देख रहा भाई कोई दिखता हूँ। हाँ भाई, अरे अरे टर्की बिरकी ने भाई मार दी सूरा वल्चर, वल्चर के सामने टर्की है वो दिखाई नहीं दे रही क्या गाइस? वो टर्की ना मेरा भाई एकदम मस्त है कि जिंदगी में यही बचा है भाई, मेरी पेटी के सामने अभी क्या स्पॉन हुआ भाई देख रहे हो, यही बचा हुआ है जिंदगी में बेच के आक, तुम भी आके मार लो मेरी भाई, प्लीज मत मारना भाई, मत मारना भाई, भगने दे मेरे को, मैं भगना चाहता हूँ कितना। हाँ चलना, हाँ आ बेटा टर्की, बैंड बजा इसकी इसकी, इसकी ये मेरा पीछा कर रहा है, ये मेरा पीछा कर रहा है, बैंड बजा उसके, यस टर्की यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जिंदा नहीं बचना चाहिए वो, हाँ जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलो वल्चर को खा के इसने अपनी भूख मिटा दी और मैं सुरक्षित हूँ भाई, अभी अभी अपन सुरक्षित है गाइस ठीक है, वो मेरा पीछा नहीं कर रहा वो वल्चर को भाई, भाई रहने दो भाई, थोड़ा टाइम इंतजार कर लूँगा, वल्चर बिल्चर ना मार रहे मेरे को, पानी के अंदर तो भाई बिल्कुल खतरा नहीं लग रहा मेरे को, कपड़े छपड़े पहनने दो मेरे को गाइस मेरे ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं अभी आगे ठीक है, मिड को स्प्लिट करके रख ले भाई ऑल में। हाँ चलो भाई, अल्फा क्या मिला मेरे को बता नहीं गाइस, कोई तो अल्फा मारा लग रहा है साइड में भाई, ये एग्रो नहीं हो रहा, देव मानुस लग रहा है मेरे को तो, ये देव मानुस लग रहा है गाइस, चार हजार हेल्थ है, काहे का देव मानुस, जब भाई चांस मिलेगा तब भाई डांस मार के मेरी पेटी बना डालेगा वो देव मानुस। रुको गाइस मीडिया पे फेंक देता हूँ, कितना टाइम बोल रहा पता नहीं गाइस कितना टाइम है, बट मैं यहाँ पे ना कुछ बीस को मार के ना कहा मैंने क्या करा भाई तेरे को, डरता है क्या भाई मैं, डरता है क्या तुमसे, तुम लोग से डरता है, मेरे को तुम्हारा टेमेबल वर्जन चाहिए, मेरे को पता चल चुका है कि टेमेबल वर्जन कैसा मिलता है तुम्हारा ठीक है, मेरे को पता चल चुका है सब कुछ। हाँ ठीक है, ऐसे अगर मैं अलवा डोडो को भी मारूँ तो मेरे को गाइस का टेमेबल वर्जन मिलेगा, रुक जाओ गाइस ट्राई मारने में क्या जा रहा है अपना, इधर आ भाई, कैसे मैकेनिज्म इसका वर्क करता है पता नहीं ना अपन को। हाँ आ गया, हाँ पहाड़ के ऊपर जंगल के पार, तो ऊपर नहीं चढ़ सकता मेरे यार, मुझे पता है ये चीज, ना 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 ना, मैं तेरे को मार दूंगा, चल बेटा कल आना, कल 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 ठीक है कल आना कल। अरे अब एंड एरो है अपने पास यार, डर दे क्या, बड्डे से हेडशॉट मारूंगा रोते घूमेगा भाई, अले कल बेटा कल 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 कल, आज मूड नहीं बेटा, खोपड़ी में डायरेक्टली एरो डाल दूंगा तेरे, 85 बम्पे भाई थोड़ा कम पड़ रहा है, खोपड़ी पे ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी बॉडी पे काफ़ी कम पड़ रहा है, अगर मैं इसकी खोपड़ी पे मारूँ तो ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, ओला ला बड्डे से 200 भाई, ये ले भाई। अरे यार वो अगर और डैमेज वाली होती ना तो इसका तो गेम बच जाता, अरे एरोज ना खत्म हो जाए, इसको मारते मारते भाई, अबे एक जगह पे, हाँ इधर खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे, हाँ देख दे रहे मेरे को, हाँ इसे देख दे रहे, मैं तेरे खोपड़ी में डालते रहता हूँ भाई, 10 में जो ना गाइस इसका गेम बच जाएगा, 10 नहीं 11 एरो में, और देखता हूँ इसको मारने से ना क्या मेरे को डेमेबल वर्जन मिलता है, वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि डेमेबल वर्जन मिलेगा, बट फिर भी ट्राई मारने में क्या जा रहा है भाई, वो 20 का मिला तो इसका भी मिलने के चांसेस तो नहीं है वैसे, बट फिर भी लेट जी हैवी गो भाई, एक दो बड़के का मालिक है बाबा, एक दो बड़के का मालिक, चल बेटा अल्फा डोडो काल आना काल ठीक है ब्रो, काल आना काल, नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला, इसको हार्वेस्ट करने से क्या मिलेगा, ओ अल्फा ब्लड इज द, दैट्स कूल, दैट्स वेरी 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 कूल, वेरी वेरी कूल भाई ठीक है। चलो अभी आगे चलते अपन फटाक से फटाक से, और गाइस अभी अपन क्या कर लेते बताया क्या, मैं घर पे जाके जो बीज मैंने भाई आज यहाँ पे ठीक है टेम करी है, एक्चुअली मैं टेम नहीं करी जो मारी है, और उनका जो टेमेबल वर्जन मेरे को मिला है ना, उनको बाहर निकल के देखता हूँ कि वो बी हमारे किस काम आती है, अगर हमको बी दी हुई है सो वो ऐसे फालतू में तो दी नहीं होगी भाई, इसका कोई ना कोई तो काम होगा, मे बी वो डेल्टा हनी दे दे कुछ, अल्फा नहीं दे दे, फायर नहीं दे दे, पता नहीं गाइस। ज़ॉम्बीज इधर एपेक्स है भाई, एपेक्स है डोडो, पीडी दिखाई दे रहा है, नॉट टेमेबल पीडी, वो दिल्ली कौन है, ओ हमारे एनी मैडम जी, देखना एनी मैडम जी सोई हुई है, और भाई गाइस आपको अगर कभी जिंदगी में कुछ सामान चाहिए ना, एनी की पेटी लूट लेना, सारा सामान मिल जाएगा भाई ठीक है, सारा सामान एनी की पेटी में ना भर भर के सामान पड़ा होता है, जैसे कि अभी आपने देखा
ये क्या चीज़ है? आर्मर? ये कौन सा वाला आर्मर है जो ना टूटने वाला आर्मर है भाई? ये कौन सा वाला आर्मर है? क्या आर्मर है भाई? एक मिनट रुक जाओ, एफएम के वाला है तो आर्मर है भाई इसके। हाँ तो मैंने अपनी खोपड़ी क्यों नहीं पहन रखी है? अच्छा ये तो मैं एनी को ही पहना रहा था वापस से। गाइज एनी के पास ना हमको असेंडेड वाली क्रॉसबो मिली है, ठीक है, असेंडेड वाली क्रॉसबो विथ फायर एरोज। अगर इसका डैमेज देखा जाए, किस पे ऊपर देखो भाई, 40,000, कम हेल्थ वाला नहीं है क्या कोई? उई 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 उई, इनको मारेगा, इनको मारेगा, इनको मारता, रुको इनको मारता, ठीक है इनको मार देगा आप, ठीक है। अरे 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 अरे, इतना काहे मार रहे हो भाई? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हीलिंग पोजन बिलिंग पोजन सब कुछ मिल गया जानी के पास, ठीक है। जेरबुआ को नहीं मारना गलती से बेटा, बेटा गलती से कुछ जेरबुआ को लगी ना तो मेरी बैंड बजा देगा वो भाई। अलग अलग तरीके हनी मिल गई तेरे भाई को, हनी नहीं सॉरी बीज मिल गई भाई तेरे भाई को। बाकी मेरा डैमेज कितना जा रहा है क्रॉसबो का? ये 1000 ना, नॉट टेमेबल बोल रहा है पट्ट से। अरे भाई तेरे भाई जैसा कोई हार्डीच नहीं, 800 का डैमेज जा रहा है, 800 का डैमेज जा रहा है। कैसा जेरबुआ टेम भी मोगा क्या मेरे से? टेम तो होएगा लेकिन नॉकआउट टेम है गाइस वो, ठीक है। और उसको टेम करने के लिए अल्फा बिल्फा कुछ ऐसा किबल चाहिए। ये मुर्गी टेम, ये फायर जायंट टर्की भी भाई टेमेबल है यार यहाँ पे। मुझे लगा था तुमका तो बॉस है यार, बोलो तो टेमेबल और निकल गया भाई। मजा नहीं लाइव गाइज, मजा नहीं लाइव। अभी घर पे चल दे, और जो बीज है ना उन बीज को मैं यहाँ पे सबसे पहले बाहर निकालता हूँ, एंड बाहर निकाल के मैं देख लेता हूँ कि वो बीज जो है ना जो कौन से खेत की मूल्य है और वो क्या चीज़ है भाई, ठीक है। और उनके अंदर क्या बनता है, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। पानी के अंदर तो खतरा नहीं है क्योंकि मैंने भाई 10-12 बार तो ये क्रॉस करा ही है, सो यहाँ पे उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। बाकी ब्रिज में बना लूँगा कैसे यहाँ से, ठीक है, एकदम ओपी वाला, ताकि मैं एक भाई किनारे से दूसरे किनारे पे जो ना गाइस, एक छोर से दूसरे छोर पे जो ना गाइस, बड़े आराम से दौड़ दौड़ के जा पाओ। ऑलराइट चलो आ जाओ आराम से भाई, आराम से, ओके हियर वी गो। चलो भाई साहब ऑलराइट, अपने पास केरिटिन ब्रिटिन भी है सो हम सीमेंटिंग पेस्ट भी बना सकते हैं। बाकी मेरे को सुरक्षा का जो ना गाइस थोड़ा सा भाई यहाँ पे ख्याल रखना है यार, सुरक्षा का ख्याल रखना है मेरे को। तो फाइबर एंड वुड चाहिए ना, फाइबर तो मैं ले लूँ, फाइबर ले लेता हूँ यहाँ से, एंड वुड चाहिए। फाइबर एंड वुड की गाइस जरूरत है मेरे को भाई, ठीक है, फाइबर और वुड की ना बहुत ज़्यादा जरूरत है। बेच गए काम कर ले, मीट फेंक दो बेच गए के, मीट ने तो मेरी ज़िंदगी झंड कर रखी है भाई। रुको गाइस पॉल मीट बन गया ना तो भाई ईजी पीजी हो जाएगा। वहाँ पर कुछ फायर क्रीचर दिखाई दे रहे थे मेरे को, ठीक है, थोड़े से फायर क्रीचर खतरनाक खतरनाक वाले दिखाई दे रहे थे। ये आंटी के पास वो असेंडेड वाला वो नहीं है भाई, ठीक है चलो कोई ना, इसी से काम चला लूँगा भाई। 5-5, 10-10 हज़ार तो मिल ही रहेगा गाइस। इसे क्या करूँगा बताए क्या, क्योंकि अभी तो भाई एपिसोड भाई एंड करने के बाद अपन एफ के जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि एफ के जाने के बाद ना तेरे भाई का जो पूरा बेस है ना वो यहाँ पे उड़ जाए भाई, ठीक है। भाई देखो कछुआ मारता नहीं अपन को, देख रहे हो गाइस कितना प्यारा प्यारा सा कछुआ है, वो कछुआ प्यारा प्यारा सा हमको मारता नहीं है। आ जाओ चलो, मैं जो ना गाइस यहाँ पे ना स्पाइक वॉल लगा दूंगा भाई, ठीक है रुक जाओ, स्पाइक लगा देता हूँ, कोई भी जो ना गाइस ऊपर ना चढ़ पाए। इसके क्या हुआ, सर्वर गया क्या, पता नहीं भाई। हेलो व्हाई कांट आई मेक एनीथिंग, पानी तो भाई डायनोस तो चल रहे दिख रहे, उड़ते हुए दिख रहे मेरे को भाई, कंज्यूम भी दिख रहा, सम काइंड ऑफ इन्वेंटरी में जगह नहीं है भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा? स्पाइक बनाने के लिए भाई इन्वेंटरी में जगह नहीं तो बनेगी कहाँ से, बनेगी कहाँ से बता? तभी बोलो भाई, अचानक से कौन सा वाला ग्लिच आ गया भाई? भाई ना नेट गया ना और कुछ हुआ है, ये अचानक से क्या हुआ भाई? ठीक है चलो, सो अभी ना अपन लोग यहाँ पे अपनी सुरक्षा की फुल तैयारी करेंगे, ठीक है। एक लेयर नहीं 10-12 लेयर डाल दूंगा, ठीक है। और कल तक जो ना गाइस यहाँ पे एकदम भाई खतरनाक वाली सिक्योरिटी अपन लगा देंगे, ठीक है। मीट मैंने फेंका है यहाँ पे, एंड अभी मैं जो ना गाइस जितनी भी मेरे को बीज मिली थी ना उन सारे बीज को मैं यहाँ पे स्पॉन करने वाला हूँ, टेम्ड वाली। ओए गाइस तेरे भाई की पर्सनल प्राइवेट बी, ओ इसके अंदर मैं इसके बी हाई हूँ। अल्फा फ्लावर कहाँ से लेके आऊँ? वाओ इनके इन्वेंटरी में काफ़ी ऊपर चीज़ें बन रही हैं। तू भी आ जा, 3 अलग अलग तरह की बीज, बट
ये तुम्हारे अंदर भी मेरी जान को सोल करके रख दूंगा मस्त बेकिन गाइस, इसके अंदर देख रहे हो गाइस, मैं बी आई यू बना सकता हूँ डेल्टा वाली, और इसके अंदर भाई मैं डेल्टा हनी बना सकता हूँ, लेकिन डेल्टा फ्लावर चाहिए होगा। डेल्टा फ्लावर कहाँ से मिलेगा? फ्यूचर में पता चली जाएगा। बाकी ये प्राइम वाली बी है भाई, ठीक है? अरे खतरनाक यार, खतरनाक गाइस। गाइस ये रे भाई की बी आर्मी, देखो देखो आज कुछ टेम कराना कराओ भाई, अपन ने बी आर्मी जरूर टेम करी है। और इस मॉड के बारे में हमको काफ़ी कुछ जानना जो ना गाइस अभी तक बाकी है गाइस, ठीक है? हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो ना गाइस वो जाननी पड़ेगी इस मॉड के बारे में। बाकी एक और भाई बी को बुला लेता हूँ, वो रही भाई, वो आ गए भाई, एक और आ गई भाई डेल्टा वाली भाई। हमारे पास दो दो डेल्टा जो ना गाइस वो प्यारी प्यारी सी बीज है। और क्या ये फूड तो इनका ख़त्म ना हो रहा यार, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा फूड। और डेल्टा फ्लावर, मेरे को लग रहा कि ये डेल्टा फ्लावर है ना, हम किसी के इन्वेंटरी में बना सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे मैं हनीन के इन्वेंटरी में बना सकता हूँ ना, वैसे फ्लावर में किसी और के इन्वेंटरी में बना सकता हूँ शायद। और वो डायनो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं भी शॉप के अंदर ही अपन बना सकते हैं, पता नहीं गाइस, देख लेते हैं। ये बीज के लिए ना एक छोटा सा भाई घर मेरे को बनाना पड़ेगा, ऐसे खुले में इनको रख नहीं सकता वरना ये भग जाएंगी। ग्रीन हाउस टाइप कुछ ना कुछ मैं बना लूंगा गाइस अगले एपिसोड में, टेंशन नहीं लेने का गाइस, ठीक है? बाकी गाइस आपको ना हमारे पहली पहली सी बीज कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट मार के बता देना भाई, ठीक है? क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ना ये वाला एपिसोड ना हम लोग भाई यहीं पे समाप्त कर लेते हैं भाई, ठीक है? इसको मैं क्रायो करके रख देता हूँ ताकि बाद में जो ना गाइस इनकी यहाँ पे कोई भी आके ना बैंड ना बजा सके। अगर मैं बी को जमीन पे स्पॉन करता हूँ तो मेरी जान, हरी 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 हरी, चलो इसको क्राय करके रख देता हूँ। देखना वही देखना कैसी लग रही है भाई, खतरनाक ना, खतरनाक ना। मेरे को सबसे ज्यादा ओपी कौन सी वाली लगी बताए? अबे यार, अरे तनिक आओ का भी, हाँ वेली पे, हाँ ये वाली प्राइम वाली का जो लुक है ना गाइज वो काफी ज्यादा खतरनाक है। देखना देखना प्राइम वाली जो है ना काफी कूल लग रही है भाई साहब। इनके अंदर हनी भी नहीं बनाने का काम अपन कर लेंगे गाइस, ठीक है? और यहाँ पे जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारे पास जो ना गाइस स्पॉइल मीट जो ना गाइस वो अभी जस्ट रेडी होने वाला है, ठीक है? देखो गाइस कितना भाई 1.5 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट में स्पॉइल मीट जो ना गाइस वो रेडी रेडी ना मेरी जान। चलो तो गाइस इन चारों बीज को जो ना गाइस मैं यहाँ पे क्राइव करके रख देता हूँ, एंड अगले एपिसोड में अपन लोग जो ना गाइस उल्टू दबाए मचाएंगे। पहले तो इसकी ना बैंड बजाने दो, बोला बना, भग रहा है बेच गया, भग रहा है क्या? एक बोला बना, बोला से पहले इसको भाई जमीन पे उतार, पहले बोला से इसको जमीन पे उतारूंगा भाई। नीचे से चला गया यार, थोड़ा सा नीचे से चला गया, परफेक्ट है। वाव वाव, वेरी वेरी डेंजरस गाइस, मेरे को लगा था मिस हो गया, बट तेरा भाई कभी मिस हो सकता है क्या बताओ? तेरा भाई मिस हो सकता है कभी? चल बेटा गोलू बेटा मास्ती नहीं, ठीक है? मास्ती नहीं गाइस, ठीक है? हमारे भाई घर के साइड में विदाउट माय परमिशन घूम रहा था, चेप डाला गाइस इसको, मजा आ गया। चलो तो फिर चलो गाइस आज का एपिसोड प्यारा प्यारा सा हमारा जो है ना गाइस यहाँ पे आर्क सुप्रीम का वो यहीं पे खत्म कर दे। मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अभी जस्ट शुरुआत है, शुरुआत धीरे धीरे छोटू छोटू से डायनोस को टेम करके होगी, और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाले, वो आलू नहीं देखा था आलू खतरनाक सा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक वाले डायनो को अपन टेम करेंगे गाइस, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। अभी मैं घर पे कैसे जाऊंगा अपने? But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.